हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये छोटे बच्चे के लिए कार्डिगन बनाया था। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कार्डिगन है और एक ही कलर से हमने इसको बनाया था। ये देखिए, और इसको हमने गले से शुरू किया था। यहाँ पर जाली डालकर इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे और इसको हमने सर्कुलर नीडल से नहीं बनाया है, इसको हमने सिंपल सिलाइयों के साथ आपको बनाकर दिखाया है और बनाना सिखाया भी है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसको हमने बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम डाल चुके हैं, आज हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसकी मैचिंग कैप बनाएंगे। ये स्वेटर हमने 9 से लेकर 18 महीने के बच्चे तक के लिए बनाया है। अगर आपको इसको 2 साल तक के लिए बनाना है तो इसको बस थोड़ा सा आप नीचे से लंबा कर लीजिए, बाकी सब कुछ सेम कर लीजिए। इसकी थोड़ी सी बाजू बढ़ा लीजिए तो 2 साल को भी आराम से आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया गया है और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जब वीडियो इसकी कैप की बनेगी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया। ये देखिए, फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं और जहाँ पर हमने ये फंदा घटाया था उसके बाद इसकी हमने 6 सिलाइयाँ बना ली है। अब एक बार और हम आपको फंदा घटा के दिखाते हैं। सीधी साइड है और फंदा घटाने के बाद से इसकी 7वीं सिलाई है। ये फंदा तो ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद ये देखिए, 2 फंदों का एक फंदा हम बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और ये फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, 3 फंदे हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो तीनों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, इस तरह से इसको बनाना है। एक फंदा यहाँ पर कम करेंगे, ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे और ये देखिए, यहाँ से गले से इसको जब हम नापेंगे तो इसको हमें 8.5 इंच तक बना लेना है। उसके बाद नीचे का हम बॉर्डर वगैरह बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को हम बनाते जाएंगे और इतना बनाना है कि देखिए, यहाँ से लेकर इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच हो जाए। तो इसको हम बना लेते हैं इसी डिज़ाइन के साथ। जहाँ फंदा घटाना है वहाँ पर फंदा भी घटाएंगे और जब ये पूरा हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 9 इंच ये बना है, 10.5 इंच इसको हमें बनाना है। अभी थोड़ा सा इसको और बनाएंगे। ये देखिए, जो हमने साइड में यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे, देखिए उसकी किस तरह से शेप आई है। जैसे हम नीचे से फंदे बढ़ाते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये कटिंग इसकी हुई है। तो ये फंदे जो बढ़ाए हैं उसी से ये कटिंग जैसी डिजाइन आई है। और ये देखिए, नीचे हम इसमें अभी इसको और बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब इसको हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है फंदे घटाते हुए। अब टोटल फंदे हमारे पास यहाँ पर 41 है। तो इसमें हम उल्टी सिलाई बनाएंगे सीधी साइड से और फंदे भी घटाएंगे। हमें 35 फंदे चाहिए। तो देखिए, 3 4 5 5 फंदे, 6 फंदे हमने बुन लिए। उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम घटा देंगे। सीधी साइड से उल्टे बनाते जाना है और इसमें जहाँ जहाँ
फंदे की ज़रूरत हो हम घटाते जाएंगे, 5-6 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों का 1 फंदा घटा लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए ये सीधी साइड से इसकी उल्टी सिलाई बना लेंगे और ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब फिर से यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 सिलाइयाँ इसकी हमने बना ली है दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अब इसकी हम 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं जो दोनों साइड से 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं जो दोनों साइड से उल्टी उल्टी होंगी इस तरह से। ये देखिए 6 सिलाइयाँ इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है और ये बॉर्डर बना लेना है। फिर बॉर्डर बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया है और जो ये लास्ट वाला फंदा है इसको हम इस तरह से लूज कर लेंगे। और देखिए यहाँ से जो ये हमारे पास ऊन का गोला है इसको इसके अंदर से हम निकाल देंगे इस तरह से। और इसको हम ये देखिए इस अच्छे से खींचते हुए टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे यहीं पर। ये देखिए तो अब ये खुलेगा नहीं। तो इसको हम सबसे पहले यहीं पर सील लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर धागा कट करके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको साथ के साथ सील देंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको सीलना है तो हम क्रोशिया से इसको सील देते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, आप क्रोशिया से नहीं सीलना चाहते हैं, तो यहाँ से धागा कट करके बाद में भी सील सकते हैं, अभी भी सील सकते हैं, सुई से इसको सील सकते हैं। ये देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है यहाँ से हम इस तरह से फंदा निकाल लेंगे और फिर देखिए दोनों साइड से हम ये देखिए दिखाते हैं पास लाके। यहाँ पर ये फंदा है, यहाँ से हुक डालेंगे और फिर यहाँ पर भी ये फंदा है, यहाँ से हुक डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से धागा निकाल कर इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फिर आगे वाला जो फंदा है यहाँ से हुक डालेंगे और इसमें भी जो आगे वाला फंदा है यहाँ से हुक डालेंगे और इसको इस तरह से ये देखिए हम बंद करता चले जाएंगे। इसको इस तरह से सील लेना है। बहुत ही आसान तरीका है और ये साथ के साथ सील भी जाएगा, ऊन भी हमें कट नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए साथ के साथ हम इसकी सिलाई का भी काम ख़त्म कर देते हैं इस तरह से। बहुत ही अच्छा ये सील जाता है। तो इसको हम यहाँ तक सील लेते हैं, इसी तरह से फिर दिखाएंगे। ये देखिए क्रोशिया से इसको हमने यहाँ तक सील दिया है। आप चाहे तो धागा कट करके सुई से इसको सील सकते हैं। अब इस जो फंदा है इसको थोड़ा सा देखिए लूज करेंगे और फिर से यहाँ पर इसको हम लॉक कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं इस तरह से। ये देखिए इसको हमने लॉक कर लिया और दिखाते हैं पलट कर। ये देखिए बाजू भी हमने इसकी सील ली है। ये देखिए एक बाजू तो ये कंप्लीट हो गई है और ये है फ्रंट का पार्ट। फ्रंट के पार्ट के बाद बाजू बनाई। अब ये फंदे जो बैक साइड के हैं इनको हम बुनेंगे। फिर हमें दूसरी बाजू तक आना है तो ये फंदे हम इस सिलाई में उतार लेंगे। ये देखिए धागा यहाँ पर आ गया है। अब इस धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो देखिए क्रोशिया से ही हम ले आएंगे इसको, हमें धागा ही कट नहीं करना है। यहाँ से इस तरह से देखिए चेन बनाते हुए ये देखिए धागे को स्लिप कराते हम साइड में लेकर आएंगे। यहाँ तक लाते हैं फिर दिखाएंगे। ये देखिए ये धागा हम यहाँ पर लेकर आ गए और इसको इस सिलाई में डाल लेंगे। तो एक फंदा हमारे यहाँ पर बढ़ गया। अब हमें यहाँ पर भी फंदे बढ़ाने हैं, जैसे हमने बाजू में देखिए फंदे बढ़ाए थे। ये देखिए बाजू के फंदे जो हमने 4-4 फंदे दोनों साइड बढ़ाए थे, अब हम बैक साइड वाले पार्ट में भी 4 फंदे इस साइड बढ़ाएंगे, 4 फंदे दूसरी साइड बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए जो एक फंदा बढ़ाया सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से कम कर लेंगे।
यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो एक फंदा ये कम हो गया जो बढ़ गया था, हमने यहाँ से धागे को स्लिप कराते हुए लेकर आ गई। अब यहाँ पर हम चार फंदे बढ़ा लेंगे, इस फंदे को एक बार बुनेंगे, उसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए एक बार बुन लिया, इसको इस तरह से वापस लेना है। एक फंदा हो गया, फिर बुनेंगे इस तरह से वापस लेंगे, दो फंदे हो गए, ये तीसरा, इसको इस तरह से डालेंगे, ये देखिए तीसरा फंदा हो गया और ये चौथा। ये फंदा ड्रॉप नहीं करना है, इसी फंदे से हमें फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से चार फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए, चार फंदे हम इसके दूसरी साइड बढ़ाएंगे। तो देखिए अब इसको यहाँ से हम बुन लेंगे, चार फंदे तो बढ़ा दिए और 64 फंदे हमें पहले जो बैक साइड के हैं उनमें से बुनने हैं। तो चार फंदे ये हो गए और 64 और फंदे, ये देखिए तो टोटल 68 फंदे हो गए। उसके बाद चार फंदे हम इस साइड बढ़ाएंगे, तो पहले हम इसके 68 फंदे यहाँ से काउंट करेंगे, बुन लेते हैं साथ के साथ काउंट करते रहेंगे और 68 फंदे बुनने के बाद फिर दिखाएंगे। ये देखिए बाजू बनाने के बाद हमने यहाँ से इसके 68 फंदे बुन लिए हैं। 64 फंदे तो पहले से थे बैक साइड के, और देखिए चार फंदे हमने इस साइड को बढ़ाए हैं, ये देखिए इस तरह से जैसे हमने बाजू में बढ़ाए थे। तो ये टोटल 68 फंदे हो गए। अब चार फंदे हमने इस साइड बढ़ा लेने हैं, 68 तो हो गए तो चार और बढ़ाएंगे। तो देखिए पूरी सिलाई तो हमने सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है 68 फंदों के साथ। अब यहाँ से हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे, उल्टी साइड आ गए और उल्टी साइड से देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस फंदे को एक बार बुन लिया, थोड़ा सा टाइट ही रखना है, एक बार बुन लिया, फिर इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से ही लेना है। एक फंदा ले लिया, इसको वापस इस तरह से सिलाई में डालेंगे। एक फंदा हो गया, दो, तीन और ये चार, ये देखिए चार फंदे हमने यहाँ पर ये बैक साइड के बढ़ा लिए। अब हमारे पास टोटल 82 फंदे हो गए हैं, 72 फंदे हो गए हैं बैक साइड के, ये देखिए 72 फंदे हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम 46 फंदे जो बाजू के इनको बनाएंगे और चार चार फंदे हम दोनों साइड बढ़ा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये फंदा बढ़ाया है, अब यहाँ पर भी हम फंदे बढ़ा लेंगे, लेकिन इसके लिए आगे हमें ये धागा कट करना पड़ेगा। तो इस धागे को हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये देखिए फंदे बैक साइड के हैं, इनको हम सिलाई में छोड़ देंगे। लास्ट में भी हमने फंदे बढ़ाए हैं और इस साइड भी बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ से हम देखिए जो दूसरी बाजू है इसके फंदे लेंगे और हम यहाँ से धागा इसमें कनेक्ट करेंगे। हमने धागा कट कर लिया है, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। एक नोट हमने धागे पर लगा दी है इस तरह से। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, यहाँ पर भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। इसको वापस सिलाई में इस तरह से डाल लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, फिर यहीं से हम फंदा बनाएंगे इस तरह से, दो फंदे बढ़ गए, तीन और ये चार। ये देखिए जहाँ जहाँ भी हमने फंदे बढ़ाए हैं, चार चार फंदे बढ़ाए हैं, तो हमने चार फंदे ये बाजू के बढ़ा लिए, जैसे यहाँ पर बढ़ाए थे यहाँ पर भी बढ़ा लिए। और 46 फंदे हमारे पास बाजू के पहले से थे, टोटल हमारे पास 54 फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को, 54 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये फंदा तो ऐसे उतार लेंगे और इसके बाद फंदे काउंट करते हुए 50 फंदे इसके बुन लेते हैं। 46 पहले और चार फंदे हमने बढ़ाए और चार फंदे हम बाद में दूसरी साइड बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम इसके 50 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए 50 फंदे हमने ये बाजू के बना लिए हैं। चार फंदे जो बढ़ाए थे उनको भी हमने काउंट किया है, तो टोटल 50 फंदे हो गए। अब
यहीं से हम वापस हो जाएंगे। इनको हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अब चार फंदे हम इस साइड बढ़ाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इस फंदे को एक बार बुना, फिर वापस लेंगे, एक फंदा बढ़ गया। फिर इस फंदे को बुना, इसको इस तरह से वापस लेंगे, दो फंदे बढ़ गए। तीन, और ये देखिए एक फंदा और बढ़ाएंगे, चार। तो चार फंदे यहाँ भी बढ़ गए। अब हमारे पास बाजू के टोटल 54 फंदे हो गए। अब इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन लेनी है। ये उल्टी सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेती है, फिर दिखाएंगे। ये देखिए उल्टी साइड से हमने इसकी उल्टी सिलाई बना ली है बाजू की। अब इसमें हम सेम तरीका अपनाएंगे जैसे हमने ये बाजू बनाई है, इसमें हम डिजाइन डाल लेंगे सीधी साइड से। और देखिए हर सातवीं सिलाई में हमें दोनों साइड फंदे घटाने हैं। छह सिलाई के बाद एक फंदा इस साइड घटाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर इस साइड घटाएंगे। जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई है सेम तरीके से इतनी ही लंबाई के साथ हमें दूसरी बाजू इसकी बना लेनी है। और ये बाजू बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ फंदा घटना है वो घटाना है, वो याद रखना है। तो ये बना लेते हैं फिर दिखाएंगे। ये देखिए दोनों बाजू इसकी हमने बना ली है, आप लोग देख सकते हैं। ये बाजू भी बना ली और ये बाजू भी इसकी बना ली है। अब ये सारे फंदे हम एक साथ लेकर आएंगे। ये देखिए अब हमने एक सिलाई तो देखिए जो फ्रंट के फंदे थे इनमें से बना लिए सीधी। सीधी सिलाई बनाते हम यहाँ पर आए, फिर बाजू बनाई, फिर बैक साइड के फंदे बनाए, एक सिलाई सीधी यहाँ भी बना ली और यहाँ पर आए बैक साइड में। देखिए हमने दोनों साइड इसमें फंदे बढ़ा लिए, चार फंदे यहाँ पर और चार फंदे यहाँ पर। अब ये दूसरी साइड के फंदे रह गए हैं फ्रंट साइड के। तो देखिए अब यहाँ पर हम धागा कनेक्ट करेंगे, इन फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए धागा इसका हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब इस साइड से इसकी सीधी सिलाई बना लेंगे और जब उल्टी साइड से आएंगे तो यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये सिलाई हम इसकी इस तरह से सीधी बना लेते हैं। देखिए पूरी सिलाई बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस सिलाई इसकी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से देखिए यहाँ तक इसको बना लेते हैं जहाँ से हमने धागा कनेक्ट किया था। तो इसको यहाँ तक बना लेंगे फिर इसमें फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये फ्रंट वाले फंदे बुन लिए हैं, ये फ्रंट वाले 32 फंदे हैं। अब चार फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट के चार फंदे बढ़ा लेंगे जैसे हमने और जगह बढ़ाए हैं, यहाँ भी चार फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए किस तरह से हमें बढ़ाने हैं। इस फंदे को एक बार बुन लिया, ये देखिए इस फंदे को एक बार बुन लिया, इसे इस तरह से वापस ले लेंगे। ये देखिए एक फंदा बढ़ गया। फिर इस फंदे को इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालकर बुनेंगे। हमने फंदे बुन लिए यहाँ पर। अब चार फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने और जगह बढ़ाए हैं उसी तरह से हम चार फंदे यहाँ भी बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से धागा लेंगे, एक फंदा हो गया। फिर इस तरह से धागा लेंगे, दो, फिर इस तरह से धागा लेंगे, तीन, और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर धागा लेंगे चार। चार फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। ये देखिए इस तरह से अब इनको हम वापस चारों फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे और इनको हम बुन लेंगे। जो चार फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको ही बुनना है, एक, दो, तीन और ये चार। चार फंदे बुन लिए। अब देखिए जो ये बैक साइड वाला पार्ट है इसको हम बुनेंगे, इसी सिलाई में ले लेंगे और इसी धागे से इनको हमें बुनना है। अब हम इनको एक साथ लेकर आएंगे।
जितने भी फंदे हैं फ्रंट और बैक के, इस तरह से। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम देखिए इस तरह से टाइट कर लेंगे धागे को, और ये पूरी सिलाई इस तरह से ही उल्टी बनाएंगे जहाँ तक कि बैक साइड के फंदे हैं। ये देखिए यहाँ तक इनको बना लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने यहाँ तक बुन ली है, ये बैक साइड के फंदे हैं। अब आ गए हम यहाँ पर जो फ्रंट साइड के फंदे हैं इनके पास, तो चार फंदे हम यहाँ पर इनके भी बढ़ा लेंगे। चार ये फ्रंट बैक साइड के हैं तो चार फ्रंट साइड के बढ़ा लेंगे। ये देखिए इनको भी हम इसी तरह से बढ़ा लेते हैं। इस तरह से एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। अब देखिए इनको चारों को हम वापस सिलाई में लेंगे, एक दो तीन चार, और ये चार फंदे ही हम दोबारा से बुन लेंगे। चार फंदे ही हमें लेने हैं जो हमने अभी डाले हैं, क्योंकि जब हम सीधी साइड से इसमें बुनाई डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना ही यहाँ से बुनाई डालने में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। तो यहाँ से इनको हम बुन लेते हैं फंदे डालने के बाद। और अब देखिए जो फ्रंट साइड के फंदे हैं इनको भी इस तरह से बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे हमारे बैक और फ्रंट के एक ही सिलाई में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से पूरी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए अब ये एक सिलाई में फंदे आ गए हैं, और इसके बाद आप इसको नीचे की साइड एक सिलाई में आराम से बुन सकते हो। इसमें आगे से देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाजू हम इसकी बना चुके हैं। मैं इसमें अब सर्कुलर नीडल लगाऊंगी, लेकिन आप दो सिलाइयों से इसी तरह से बुन सकते हो। मैंने आपको बना कर ये दिखाया कि दो सिलाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये पूरा पार्ट इसका एक साथ बुन जाएगा, आपको इसमें सिलाई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए तो अब इसमें हमें डिज़ाइन भी बनाना है। सबसे पहले हम इसके फंदे काउंट करते हैं। ये देखिए टोटल फंदे हमारे पास 44 हैं, 32 फंदे हमारे ये देखिए फ्रंट साइड के थे, और चार फंदे इसमें हमने और बढ़ाए, तो टोटल ये 36 फंदे हो गए, और 36 फंदे हैं दूसरी साइड के फ्रंट साइड के, तो टोटल ये फ्रंट साइड के 72 फंदे हो गए। और बैक साइड में थे देखिए हमारे पास 64 फंदे, आठ फंदे हमने बढ़ाए हैं चार इस साइड चार इस साइड, तो आठ फंदे इसमें हम और ऐड करेंगे तो 72 फंदे हो गए बैक साइड के। टोटल फंदे हमारे पास 144 हो गए। अब इसमें हम डिज़ाइन भी डालेंगे और इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें फिर से हम यही डिज़ाइन डालेंगे, दो फंदे ये सीधे बुन लेंगे बटन पट्टी के, धागा अपनी साइड, उल्टे फंदे जितने हैं उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, और ये सीधा फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, और पांच फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, तीन सीधे पांच उल्टे तीन सीधे, लेकिन हम स्टार्टिंग में यहाँ पर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, स्टार्टिंग में तीन फंदे ही उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब बनाएंगे पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे ये देखिए उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी साइड,
अब देखिए जो हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे इन पर भी हमें डिज़ाइन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए। अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ तक इसको बना लेते हैं, लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कितने फंदे बचेंगे डिज़ाइन के लिए, और यहाँ भी हमें डिज़ाइन बनाना है, तो पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक इसको हमने बना लिया है, ये तीन फंदे सीधे हैं, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर एक फंदे के दो फंदे हम बना लेंगे इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ से फंदा उठा लेते हैं, इस तरह से एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, दोनों को हम सीधा बुन लेंगे दोनों फंदों को, तो इससे हमारा डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे, जैसे बुनते आए हैं इनको ऐसे ही हमें बुनना है। अब हमारे पास टोटल 145 फंदे हो गए। इसमें बटन पट्टी के भी फंदे हमने काउंट किए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम यही डिज़ाइन डालेंगे जो हमने बाजू में इसके डाला है, वही डिज़ाइन हमें रिपीट करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए अब इसको हमने एक ही सिलाई में ले लिया है इस तरह से, और ये उल्टी साइड से इसको बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं, बॉर्डर के फंदे हमने बुन लिए। अब हमारे पास ये तीन फंदे हैं उल्टे, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और दो फंदे यहाँ पर देखिए एक उल्टा है एक सीधा, तो दोनों को इस तरह से एक साथ बुनेंगे। दो फंदे एक साथ बुन लिए, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक सीधा फंदा तो हमने यहाँ पर उल्टे के साथ बुन लिया, अब दो फंदे उल्टे बचे हैं, तो सेंटर वाला जो फंदा है इसको हम जाली बनाते हुए बुनेंगे। तो एक जाली तो ये हो गई, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा बचा है सीधा, इसको इस तरह से पलट लेंगे, और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाली बनाते हुए, ये देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, अब एक फंदा उल्टा बचा है, इसको इस सीधे वाले के साथ घटा देंगे, दो का एक बनाएंगे। अब जो ये फंदा हमने घटाया इसको हम पूरा करेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ये जो हमने फंदा घटाया था वो पूरा हो गया। अब इस साइड फंदा घटाएंगे, सबसे पहले जाली बनाते हुए फंदा पूरा कर लेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, धागा अपनी साइड है दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे। अब हमें इसी तरह से इसको बनाते जाना है, और लास्ट में हमारे पास दो फंदे थे सीधे, अब हम लास्ट में दिखाएंगे कि इनको हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे कर लेंगे। अब हमारे पास ये एक उल्टा है एक सीधा, तो दोनों को एक कर देंगे इस तरह से, दोनों को एक कर दिया। अब एक फंदा और बचा है सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और जाली बनाते हुए इस फंदे को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए जो फंदा हमने यहाँ पर घटाया था जाली से, उसको हमने बढ़ा लिया है। अभी बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे, उसके बाद उल्टी साइड से उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो ही फंदे हैं उल्टे, तो एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, और जाली बनाते हुए तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, इस फंदे को पलट लेंगे, और यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा, फिर धागा अपनी साइड,
और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा पलटेंगे और यहाँ पर दो का एक बनाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट करते हैं। इसके बाद उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज करेंगे। जहाँ पर ये तीन फंदे हैं, एक सीधा, ये वाला सीधा, बीच वाला उल्टा, तो इनको सीधा बना लेंगे जैसे हमने बाजू में बनाया था। और ये पांच फंदे उल्टे, तीन सीधे, पांच उल्टे, तीन सीधे, इस तरह से फेस में डिज़ाइन बनाते हुए इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए बाजू में हमने इस तरह से, देखिए एक दो। फ्रेंड्स इसको हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अगर इसकी हम टोटल लेंथ देखें तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से नहीं देखना है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए पूरे 12 इंच बन चुका है। और अगर हम इसमें ये देखें कि हमने डिजाइन डालने के बाद कितना बनाया है इसको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जहाँ तक हमने इसमें चार लाइनें बनाई हैं, ये देखिए पूरे 6 इंच है। और इससे नीचे जो हमने इसमें डिजाइन डाला है, ये देखिए 6 इंच ये है, यहाँ से जहाँ से डिजाइन डाला है उसे डालने के बाद 6 इंच ये है, तो टोटल ये 12 इंच बना है। अब देखिए इसमें हम नीचे का बॉर्डर बना लेंगे। और देखिए डिजाइन अगर इसमें हम देखें तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया है। यहाँ से हम डिजाइन आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से इस डिजाइन को हमने शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बॉक्स हमने इस तरह से इसमें कंप्लीट किए हैं। अगर हम इसके डिजाइन देखते हैं कि हमने कितने बनाए हैं, और अगर इसकी लेंथ देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच है। अब इसमें हम बॉर्डर बना लेंगे, फंदों को हम इस तरह से आगे लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से बटन पट्टी तो हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। 9 फंदे तो हम बटन पट्टी के इसी तरह से बुन लेंगे। धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा बना लेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। अब ये पूरी सिलाई हम इसकी उल्टी बना लेंगे, ये देखिए सीधी साइड है और सीधी साइड से इसको हम उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड से भी उल्टी बनानी है और उल्टी साइड से भी उल्टी बनानी है, ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसके 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। 4 लाइनें हमें इस तरह से बनानी है, जैसे ये 4 लाइनें हैं तो इसी यहाँ पर, ये देखिए 4 लाइनें हैं तो ये 4 लाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई थी तो 4 लाइनें आई थी, 4 लाइनें बनाएंगे यानी टोटल 8 सिलाइयाँ। तो ये 8 सिलाइयाँ बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें काज भी बना रखा है। अब ये 8 सिलाई बना लेंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसकी 4 सिलाइयाँ यानी 4 लाइनें हमने बना ली हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें 8 सिलाइयों में कंप्लीट हुई है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर इसका बनाना है तो आप इसमें 5 लाइनें बना लीजिए, 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको हम घटाएंगे, ये देखिए सीधी साइड है और 9th रो है तो सीधी साइड से इसको हम घटाएंगे। 9th रो में 2 फंदों का 1 फंदा किया, इस फंदे को वापस लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर ये फंदा वापस लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें लूज नहीं घटाना है, फंदा वापस, फिर 2 का 1 करेंगे,
फिर ये फंदा वापस लेंगे। इस तरह से हम इसको घटाकर फिर आपको दिखाएंगे पूरी सिलाई। इस तरह से ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर फंदा वापस लेंगे, फिर दो का एक बनाएंगे, फिर फंदा वापस लेंगे। इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका बॉर्डर है और ये देखिए इसकी बटन पट्टी, ये देखिए इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसको हमने घटा करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर धागे को हमने लॉक कर दिया है, धागा इसका कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही धागा कट करें, कभी भी पास से बिल्कुल ना कट करें। इस तरह से देखिए हमने एक्स्ट्रा धागा लिया है। अब इसको हम अंदर की साइड या तो कोई सुई ले ले या क्रोसिया हुक ले ले और देखिए यहाँ से इस तरह से लेकर आएंगे। यहाँ पर हम इस धागे को सेट कर देंगे। अगर पास से कट करेंगे तो इसको खुलने का डर रहता है, इसलिए हमेशा धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करें। देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और अंदर लाएंगे और उसके बाद इसमें हम नोट लगा देंगे। ये देखिए अब यहाँ से इसमें इस तरह से इसको नोट लगा देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, आप चाहे तो इसको यही काम सुई से भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो ये धागा है इसको भी कट कर लेना है। ये देखिए जो नेक का बॉर्डर बनाया था इस पर भी ये धागा है। जब हमने फंदे डाले थे तो इनको भी हम सबसे पहले यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद इनको कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से तो ये कम्प्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ से हम सिलेंगे। ये देखिए जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे इस तरह से, तो यहाँ पर इसको सिलना है। सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे और इस तरह से देखिए पकड़ेंगे, इस तरह से सिलना है। ये बाजू है और ये देखिए नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए ये जो सिलाई है सेंटर पर आ गई, तो यहाँ से इसको हम शुरू करेंगे। कोई साइड इसकी कम या ज़्यादा ना हो इसलिए हम इसको सेंटर से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस साइड से दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये नोट लगा दी। तो इस तरह से इसको सिलना है। देखिए इस तरह से सील लेते हैं। फिर वापस आएंगे, धागा नहीं कट करेंगे। अब देखिए यहां से आकर अब इसको यहां तक सील लेंगे। अब ये रह गया, यहाँ से आते हुए इसको यहाँ तक सील लेते हैं। ये देखिए इसको हमने यहाँ से सील दिया है। अब नोट लगा देंगे यहीं पर इस तरह से, अच्छे से इसमें नोट लगा देंगे दो तीन बार इसको इस तरह से। देखिए नोट लगाते हुए बंद कर देंगे ताकि ये ना खुले और ये धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे, तो ये देखिए सिलने के बाद इस तरह से दिखेगा। यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ से ये इसमें ये गोलाई सी आ गई है, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी यहाँ से फंदे बढ़ाने के बाद।
ये देखिए, इसी तरह से इसको हम दूसरी साइड से भी सील लेते हैं। ये देखिए, ये बनकर कंप्लीट हो गया है। इसकी अब एक बार हम लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से देखना है। ये देखिए, पूरे 13 इंच है ये। ये देखिए, पूरे लंबाई इसकी 13 इंच है और चौड़ाई दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे 10.5 इंच है। अब इसकी बाजू एक बार फिर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर ये देखिए पूरे 11.5 इंच है इसकी बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई यहाँ से 1.5 इंच कम है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी कमी रखनी चाहिए बाजू की लंबाई। आगे से बाजू ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती, फिर हमें बच्चे को पहनाने के बाद उसे फोल्ड करना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से कंप्लीट हो गया है।